प्रेज द लॉर्ड। ये पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका तीसरा वचन, प्रेरितों एक्ट्स एक उसका तीसरा वचन, एक्ट्स 1:3। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से समझिए। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। हालेलुया। किसके बारे में बात हो रही है यहां पर? किसने? या यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। किसके लिए वो जिया? किसके लिए वो 40 दिन तक रहा? अपने चेलों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय वो यहां पर था, देखिए यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद वो स्वर्ग से वापस आया, तो कौन सा शरीर लेकर आया? वो पुनरुत्थान का शरीर। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान का शरीर, वो शरीर उसके पास था। ये पहला शरीर था पूरी धरती पर जो यीशु मसीह पुनरुत्थान के शरीर के साथ चल रहा था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने अपने चेलों को अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। आमेन, हालेलुया। इसको समझने की कोशिश करिए, उसने पुनरुत्थान का शरीर हासिल किया हुआ था, फिर भी उसने जीवित होने का प्रमाण दिया कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो समझ, वो बुद्धि मेरे बच्चों की खुल सके, वो जान सके कि मैं क्यों यहां पर हूं, वो सच्चाई, वो ज्ञान, वो प्रकाशन मेरे बच्चे प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, अपने चेलों को बताया उसने कि कैसे जिंदगी को जीना है। 3.5 साल तक उसने बताया कि परमेश्वर कौन है, वो पिता कौन है, उसका मन क्या है, उसने क्यों हमें बुलाया, उसने क्यों सृष्टि की रचना की, उसने क्यों यीशु मसीह को धरती पर भेजा और उसने क्यों हमें चुना है। हालेलुया। 3.5 साल तक उन चेलों ने यीशु मसीह के साथ रहकर विभिन्न चमत्कार देखे, भिन्न भिन्न चमत्कार देखे। अंधों को आंखें मिलते हुए देखी, बहरों को कान मिलते हुए देखे, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए परमेश्वर को देखा, मुर्दों को जिंदा करते हुए यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। पानी पे चलते हुए देखा, हजारों लोगों को रोटी देते हुए देखा। विभिन्न प्रकार के चमत्कार उन चेलों ने यीशु मसीह के साथ देखे। यीशु मसीह की शिक्षा उनको प्राप्त हुई कि मन का दीन ही इंसान परमेश्वर के पास आ सकता है। मन की शुद्धता प्राप्त करने वाला इंसान ही परमेश्वर को देख सकता है। हालेलुया। तो चेलों को यीशु मसीह ने विभिन्न शिक्षा दी, उनको बताया कि जीवन किसे कहते हैं, जीवन क्या है, हमें किस तरीके से अपने जीवन को निभाना है, अंधकार से ज्योति में हम किस तरीके से आए हैं, अंधकार को थामे हुए कौन है, कौन है वो शैतान जिसको हम अब तक नहीं जानते थे, लेकिन चेलों के द्वारा यीशु मसीह ने उस शैतान का बताया कि वो शैतान कौन है और वो किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। चेलों को बताया कि सच क्या है, चेलों को बताया कि मुझे मेरा मरना जरूरी है, चेलों को बताया कि मसीह के पुत्र का, मनुष्य के पुत्र का मरकर जिंदा होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सारी बातें यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में, दर्शन के रूप में साफ साफ उनके आमने सामने बैठकर उनको समझाई कि क्या मेरे मन में है और क्या मैं पिता से जो सुनता हूं वो तुम्हें बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन 3.5 साल में चेलों को साथ रखकर उसने बताया कि प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रार्थना है क्या, प्रार्थना हमें किस तरीके से परमेश्वर के संग जोड़ती है, प्रार्थना हमें कैसे बुद्धि देती है, प्रार्थना कैसे हमारी आत्मा को प्रबल करती है, बल देती है। हालेलुया। इन 3.5 साल में चेलों को यीशु मसीह ने बताया कि आत्मा क्या है, आत्मा के अनुसार हम जीवन को कैसे बिता सकते हैं। इन 3.5 साल में यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा हमको बताया कि शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। महत्व किसका है? आत्मा का। इन 3.5 सालों में यीशु मसीह ने चेलों के द्वारा बताया कि शरीर मात्र भोग करने के लिए है, लेकिन आत्मा के द्वारा ही हम उस अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर आत्मा है और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा अपने चेलों को ये शिक्षा दी कि तुम्हें किस तरीके से जिंदगी को जीना है, सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है। दुनिया कहती है जो दिखता है उस पर विश्वास करो, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने बताया कि जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संबंधों के बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, दुश्मनों को माफ करो, दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो कोई कहता है जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारता है दूसरा गाल आगे कर दो। हालेलुया। इन 3.5 सालों में यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें सुख देगी, तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें आशीष देगी, तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें परमेश्वर से मिलवाएगी। अगर तुम्हारे पास धन है, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, अगर तुम्हारे पास ताकत है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास मन है और उस मन में प्रभु है, उस मन में दीनता है, उस मन में नम्रता है, उस मन में परमेश्वर का प्रेम है, तो तुम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। 3.5 साल यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा हमें बताया कि परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर हमें मौत के बाद कहां लेके जाना चाहता है। 3.5 साल में परमेश्वर ने बताया कि मौत से डरना गलत है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मौत के बाद जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इन 3.5 सालों में चेलों ने देखा यीशु मसीह के साथ चलते हुए कि अंधे देखने लगे, बहरे चलने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, जो कोढ़ी थे वो शुद्ध होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं देखा था, उन्होंने आज तक ऐसे चमत्कार नहीं देखे थे। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलकर भागती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने देखा अद्भुत चमत्कार, उन्होंने देखा यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए, उन्होंने देखा कि हजारों लोगों को यीशु मसीह ने स्वर्गीय रोटी खिलाई। उस जंगल में, उस बियाबान में जहां पर कुछ भी नहीं था, चेले कहते यहां पर यीशु मसीह कुछ नहीं मिलेगा, यहां खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, ये जंगल है, ये बियाबान है, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह ने स्वर्गीय रोटी खिलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मिलवाया, चेलों से मिलवाया अपने पिता को। यीशु मसीह ने मिलवाया उस सामर्थ को, यीशु मसीह ने मिलवाया अपने पिता के मन को कि मेरे बच्चे, मेरे चेले, मेरे सेवक मेरे पिता को जान, उसके मन को जान, पिता परमेश्वर को जान, उसका हो जा पूरी तरीके से। क्योंकि अगर तू पिता का नहीं बन पाया, अगर तू परमेश्वर को नहीं जान पाया, तूने दुनिया को पाया और तूने आत्मा को खो दिया, तो तूने कुछ नहीं पाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बताया कि जीवन क्या है, उसने बताया कि ज्योति क्या है, उसने बताया कि मार्ग क्या है, उसने बताया कि सत्य क्या है। हालेलुया। उन चेलों को बताया कि मैं मरकर जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? चेले देख तो रहे थे, चेले यीशु मसीह के संग चल तो रहे थे, लेकिन समझ नहीं रहे थे। अंतिम समय में जब यीशु मसीह का वक्त आया, जब महायाजक के लोग, वो सिपाही, वो सैनिक, पिलातुस के सैनिक जब उसे लेने के लिए आए, गतसमनी में जब पकड़ने के लिए आए, तो चेलों ने क्या देखा कि यीशु मसीह को लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह को बंदी बनाकर लेके जा रहे हैं। चेले भाग गए, चेले रुक नहीं पाए। उस यीशु मसीह को लोग पकड़ कर लेके जा रहे थे जो उनके लिए प्रभु था। वो समझते थे कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, वो तो मुर्दों को जिंदा करता है। वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। पतरस उसके पीछे पीछे गया, यूहन्ना वहां तक गया, और पतरस ने देखा कि यीशु मसीह को लोग मार रहे हैं, वो सैनिक उनके मुंह पे थूक रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कांटों का मुकुट उनके सिर पर पहना रहे हैं, और यीशु मसीह शांत है, कुछ नहीं कह रहा है। पतरस के मन में, चेलों के मन में सवाल उठ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग से जमीन पर आया, वो यीशु मसीह जो मसीह है, जो अभिषिक्त है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसकी एक वचन से सामर्थ निकलता, लोग आशीष पाते, वो चुप क्यों है? वो
چلے سوچ رہے تھے. پریز دی لارڈ. پترس سوچ رہا تھا کیوں ہے چپ, کیوں یہ مار کھا رہا ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, کیوں یہ گناہ کر رہا, کیوں یہ مار کھا رہا ہے. اور پترس نے ہو سکتا ہے یہ بھی سوچا ہو کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں چن لیا, کہیں میں 3.5 سال تک ایک غلط انسان کے ساتھ تو نہیں رہا تھا, میں کہیں غلط چیلا تو نہیں تھا. ہاللویہ. اور پترس انکار کرتا رہا, نہیں میں نہیں جانتا ہوں ایشو کو, میں نہیں جانتا ہوں ایشو کو. انہوں نے ایشو مسیح کو کروس پر مرتے ہوئے دیکھا. وہ موت جو ان کے لیے ایک آشچرے چکت تھی, وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایشو مسیح مر سکتا ہے. جو آدمی خود مردوں کو جلاتا ہو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ان کے لیے وہ موت بڑی انہونی تھی, اس لیے اس کروس کی موت نے ان کے من میں ڈر پیدا کر دیا, سندیہ پیدا کر دیا, بھے پیدا کر دیا. اور اس بھے کو لے کر بائبل کہتی ہے کہ وہ اوپری کوٹری میں بیٹھ گئے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے کہ کہیں یہودی ہمیں نہ پکڑ لیں, کہیں لوگ ہمیں نہ پکڑ لیں, کہیں ہم یہودیوں کا شکار نہ ہو جائیں. کیونکہ یسوع مسیح تو کچھ بولا ہی نہیں, یسوع مسیح نے چپ چاپ اپنے آپ کو حوالے کر دیا. یسوع مسیح جو کہتے تھے وہ بھول گئے, یسوع مسیح کا کہا ہوا چیلوں کو یاد نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. ان کے لیے سچ کیا تھا؟ یسوع کی موت. ان کے لیے سچ کیا تھا؟ کروس پر لٹکا ہوا یسوع, جو لگ رہا تھا کہ وہ ہارا ہوا ہے, اس کا لہو بہ رہا تھا, کانٹوں کا مکٹ اس کے سر پر تھا, کپڑے اس کے نکال لیے گئے تھے. ایک ہارا ہوا انسان کروس پر تھا. اسی لیے ایماؤس کے مارگ پر جب دو چیلے جا رہے تھے زندہ ہونے کے بعد, دیکھیے وہ اس طریقے سے ڈرے ہوئے تھے, ان کے سامنے صرف کروس کا ہی سچ تھا. مریم نے آ کر کہا, مریم مگدلینی نے کہا کہ ارے وہ لاش اٹھا کے لے کر گئے, میرے پربھو کی لاش کو لوگ اٹھا کر لے کے گئے ہیں. انہوں نے وشواس نہیں کیا. پترس اور یوحنا بھاگ کر گئے اور اس جہاں پر لاش رکھی تھی اس قبر میں جا کر جھانک کر دیکھا کہ یسوع مسیح کی لاش نہیں ہے. گھر چلے گئے. پریز دی لارڈ. وہ ڈر ان کے اندر سمایا ہوا تھا, وہ سچ جو یسوع مسیح کے کروس پر تھا, وہ موت جو یسوع مسیح کے کروس پر ہوئی تھی, وہی ان کے دماغ میں گھوم رہی تھی. مریم مگدلینی نے کہا, ارے میں نے یسوع مسیح کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے سردوتوں کو دیکھا ہے, سردوتوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم سے پہلے وہ گلیل جائے گا. یسوع نے مجھ سے بات کی ہے, اس نے کہا ہے جاؤ میرے بھائیوں کو یہ سندیش پہنچاؤ. اور جیسے مریم ان کو بھائیوں کو بول رہی تھی, چیلوں کو بول رہی تھی, چیلے کہہ رہے تھے ارے کیسی باتیں کر رہی ہے. چیلوں کو وہ کہانی لگی, چیلوں کو مریم مگدلینی کی باتیں کہانی لگی, کیسی باتیں کرتی ہو, یسوع مسیح زندہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تو کروس پر اسے مرتے ہوئے دیکھا تھا, ہم نے تو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا تھا, ہم نے ہنسی اور ٹھٹا اڑواتے ہوئے دیکھا تھا, وہ ایک عام انسان سے بھی کم ہے, اس نے کچھ نہیں بولا, کیسے تم نے دیکھ لیا اس کو. ان کے لیے مریم مگدلینی کی کہانی ایک جو یہ بات تھی وہ کہانی لگ رہی تھی. پریز دی لارڈ. ایماؤس کے مارگ میں جب دو چیلے جا رہے تھے, پریز دی لارڈ, یسوع مسیح ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے, وہ مر کے زندہ ہو گئے تھے, پروتھان کا شریر ان کے ساتھ تھا. آپ دھیان دیجئے میری بہن میرے بھائی, ان کے پاس کیا تھا؟ پنرتھان کا شریر. ایماؤس کے مارگ پر جب وہ دونوں چیلے جا رہے تھے, کلوپاس اس میں تھا, اور وہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نہیں درشایا کہ میں کون ہوں, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تو یسوع مسیح کو نہیں جانتا, ہم نے تو سوچا تھا کہ وہ اسرائیل کو بچائے گا. پریز دی لارڈ. چیلوں کو لگ رہا تھا یسوع مسیح کیوں آیا ہے, اسرائیل کو بچانے کے لیے. یسوع مسیح کیوں آیا ہے دھرتی پر, اسرائیل کا رکشک ہونے کے لیے. وہ سمجھ ہی نہیں پائے یسوع مسیح آیا کیوں ہے, وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس سامرتھ کو, وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس کے آنے کو, وہ سمجھ ہی نہیں پائے اس کی یوجنا کو. آج یہی ہوتا ہے میری بہن میرے بھائی, ہم کلیسیا آتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں,
यीशु की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं, उसकी उसके प्यार को समझ नहीं पाते हैं। और कब हमारा पड़ोसी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा मालिक कहता है ये क्या कर रहे हो, हमारी बहन कहती है, हमारा बाप कहता है, हमारी मां कहती है तुम कहां जा रहे हो, और हम डर जाते हैं कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर हरेक की बुद्धि नहीं खोलता है, जिसको चुनता है उसी की बुद्धि खोलता है। हालेलुया, उन चेलों को चुना था। आज अगर यहां पर है तो आप परमेश्वर के आशीष है, आप अपने आप नहीं आए हैं मेरी बहन। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने आप आए हैं, नहीं, ये परमेश्वर की योजना है जो आपको यहां पर लेकर आया है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलना चाहता है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि ध्यान से मन से वचन को सुनो, उसको ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उन चेलों से कह रहे थे तुमने क्या देखा निर्बुद्धि मन। फिर यीशु मसीह ने उसको बताया यशाया नबी से लेकर जो जो नबियों ने भविष्यवाणियां की थी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र का मरना जरूरी था। प्रेज द लॉर्ड, उन दोनों चेलों ने बताया उन 11 चेलों को कि यीशु जिंदा हो चुका है, लेकिन तब भी नहीं मान रहे थे, ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके सामने क्रूस का सच उनके सिर पे था। उन्हें सिर्फ दिख रहा था क्रूस का सच, उन्हें सिर्फ दिख रहा था यीशु मसीह जो मर चुका है। हालेलुया, यीशु मसीह ऊपरी कोठरी में आए, दरवाजा बंद था और उस बंद दरवाजे से यीशु मसीह अंदर आए। चेलों ने देखा कि ये कौन है, बंद दरवाजे से यीशु मसीह अंदर आ गए। हालेलुया, एक और झटका, वो डरने लगे, उन्होंने समझा यीशु मसीह भूत है। यीशु ने कहा कि नहीं डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, डरो मत मैं भूत नहीं हूं, मैं यीशु हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं मरकर जिंदा हो गया हूं। हालेलुया, ये देखो मेरे जख्म, ये हाथों में छेद देखो, ये पंजर देखो, मैं जिंदा हूं। लेकिन कोई भी चेला यीशु मसीह करीब नहीं आ रहा था, वो यीशु मसीह के दूर था, आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहे थे, देख रहे थे उसकी बातों को, संदेह से देख रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उनको विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कुछ खाने के लिए है तुम्हारे पास, उन्होंने मछली दी, उन्होंने कहा देखो मैं मछली खा रहा हूं, भूत खाते नहीं है, मैं खा रहा हूं, मैं मरकर जिंदा हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड, मुझे छू कर देखो, वहां पतरस भी था, पतरस से यीशु मसीह मिल चुके थे तिबरियास झील में, वो जब मछली पकड़ने जा रहा था, पतरस को बोला यीशु मसीह ने तू कहां जा रहा है, आ मैं तेरे लिए रोटी बनाता हूं, मैं तुझे खिलाता हूं। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने जिंदा होने के प्रमाण दिए कि मैं जिंदा हूं। 40 दिन तक वो प्रमाण देता रहा, उस पुनरुत्थान के शरीर में होकर भी वो प्रमाण देता रहा कि मैं जिंदा हूं। पुनरुत्थान के शरीर को जिंदा होने की कोई प्रमाण देने की जरूरत है, क्योंकि वो मौत से बाहर आ चुका है, वो मौत से निकल चुका है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम, क्योंकि अगर वो चेले उस यीशु के जिंदा होने को नहीं विश्वास करेंगे तो वो आशीष नहीं पाएंगे, वो अनंत काल का जीवन नहीं पाएंगे और सुसमाचार पूरा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, जिस मकसद से चेलों को चुना गया है, जिस मकसद से परमेश्वर ने हमको चुना है, वो सच आपको जानना जरूरी है, वो सच मानना जरूरी है, उस सच के अनुसार चलना जरूरी है। हालेलुया, इसीलिए यीशु मसीह 40 दिन तक इस धरती पर पुनरुत्थान का शरीर लिए हुए जिंदा रहे और चेलों को बताते रहे कि मैं जीवित हूं। विभिन्न विभिन्न तरीके से उन्होंने प्रमाण दिए कि मैं जिंदा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बताना चाहते थे, देखिए चेलों ने उस सच को देखा जो क्रूस पर था, क्रूस पर यीशु मसीह मरा, इसलिए वो सच चेलों को महसूस हुआ कि वो सच सच वही है, क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने मरा था,
यीशु मसीह उनके सामने जिंदा नहीं हुआ था। हेलो, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह उनके सामने मरा था लेकिन यीशु मसीह उनके सामने जिंदा नहीं हुआ था, इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह के होने को, इसलिए उस वचन को समझ नहीं पा रहे थे, उस योजना को समझ नहीं पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जो दिखता है वो सामर्थी नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सामर्थी है। जब सरदूत, जिब्राइल का सरदूत जब मरियम से आकर मिला, मरियम से क्या कहा कि तू मां बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर उतरेगा और तू बच्चा पैदा करेगी, तू यीशु को जन्म देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका पहला का 47 और 48, तू मां बनेगी। उसने स्वीकार किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने स्वीकार किया क्योंकि वो सामर्थ पर विश्वास करती थी जो नहीं दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा यीशु, जब पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा तो क्या वो दिखा? नहीं दिखा। उसने महसूस किया, उसने महसूस किया उस आत्मा को, उसने महसूस किया उसके सामर्थ को, उसने महसूस किया कि सामर्थ के द्वारा एक बीज, एक आशीष, परमेश्वर की कृपा, उसकी दया मुझ पर हुई है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि जो नहीं दिखता है उसको जानने की कोशिश करो। जो सामर्थ तुम्हें जीवन देता है वो नहीं दिखता है, उसको जानने की, उसको खोजने की कोशिश करो। हालेलुया। इसलिए वो कहती है लूका का 1 का 47 और 48, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उद्धार को देख लिया था। मेरी आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, द्वारा लगाइए 47, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हम आत्मा के आनंद को महसूस करना शुरू कर देंगे उस दिन हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए मेरी बहन, जिस दिन हम अपनी आत्मा के आनंद को महत्व देंगे, हम अपने शरीर के आनंद को महत्व देते हैं। हम अपने शरीर को खुश करने के लिए, शरीर के सुख के लिए क्या चाहिए? हमको एसी चाहिए। शरीर के सुख के लिए चाहिए, हमको डनलप चाहिए। शरीर के सुख के लिए हमको अच्छा खाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम शरीर के सुख के लिए अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन वचन कहता है उद्धार आत्मा को आनंदित करता है। जिस दिन हम आत्मा को आनंदित करने में आनंद, परमेश्वर का सुख भोगेंगे, उस दिन हम उस सामर्थ को देखना शुरू कर देंगे। उस दिन वो सामर्थ हमें दिखेगा जिसने हमारी आत्मा को आनंदित किया है। 48, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हालेलुया। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने इस समय उस सामर्थ को महसूस किया था। मरियम ने महसूस किया था कि पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर उतरा है। मैं दीन थी, मैं हीनता से गुजर रही थी, मैं शून्य थी, लेकिन उस सामर्थ ने मुझे योग्य बना दिया। उस सामर्थ ने मुझे मां का दर्जा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें बताता है कि मरियम की कोख में यीशु आया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे महसूस किया उसने? उस सामर्थ को देखा। यही तो यीशु बताना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन, कि हम उस सामर्थ को महसूस करना सीखें जो नहीं दिखता है। हम उस चंगाई को देखते हैं जो हमारे जीवन में होती है। हम अंधों को आंखें देते हुए देखा। यही भूल हुई चेलों से, उनकी नजर चंगाई पर थी, चंगाई दाता पर नहीं थी। इसलिए उन्होंने महसूस नहीं किया कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है और अंधे देखने लग जाते हैं। उन्होंने देखा, अंधा देखने लगा, वेरी गुड, यीशु मसीह की जय हो, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उसने यीशु मसीह से नहीं पूछा कि परमेश्वर, यीशु मसीह तूने कैसे किया, ये सामर्थ कहाँ था, तूने कोई दवाई नहीं दी, तूने कुछ नहीं दिया, ये भाई जो अंधा था कैसे देखने लगा।
हेलो, ये यीशु बताना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान दो। कुलुसियों 3:1-2, स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्ग की आशीषें, स्वर्ग का सामर्थ, उन चीजों पर अपना ध्यान दे। बोलिए बेटा, कुलुसियों 3:1-2। सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुमने नया जीवन पाया, जब तुम्हारा उद्धार हुआ, तुमने क्या पाया? हेलो, मुझसे बात करिए, क्या पाया आपने यीशु मसीह में? आपने क्या पाया जब आपका बपतिस्मा हुआ? आपने क्या पाया? बोलिए, नया जीवन। प्रेज द लॉर्ड। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 3:3-6 से लगाइए। निकोदेमुस जो कि धार्मिक इंसान था, जो धर्मी था, वो यीशु से मिलने के लिए आया। यूहन्ना 3:3-6। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमेन। जब तक, सही पढ़ा करो बेटा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। परमेश्वर का राज्य देखने के लिए आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पुराने जन्म में क्या है? पाप। पुराने जन्म में क्या है? आपकी आत्मा मरी हुई है। पुराना जन्म क्या है? आपको शैतान से मिला हुआ, शैतान आपके साथ है। नया जन्म का है वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो आत्मा का सामर्थ, वो नया मन, वो नई बुद्धि, वो नया समझ। प्रेज द लॉर्ड। तब तक, जब तक आप नए नहीं हो जाते, तब तक आप परमेश्वर के राज्य को समझ ही नहीं पाएंगे, तो प्रवेश कैसे करेंगे? हेलो, आप अगर कलीसिया का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो कलीसिया में आएंगे कैसे? कलीसिया में आने के लिए आपको कलीसिया का मतलब समझना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब उसका सवाल था कि नया जन्म क्या होता है। चौथा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? निकोदेमुस शरीर की बात कर रहा है, यीशु मसीह आत्मा की बात कर रहा है। हालेलुया। यही तो चीज है, यही समस्या है। हम जो दिखता है उससे आगे निकल ही नहीं पाते। हम क्यों नहीं यीशु के करीब आ पाते? क्योंकि हम उसके अलावा कुछ नहीं देख पा रहे जो नहीं दिखता है। निकोदेमुस जो धर्मी था, इसराइलियों का व्यवस्था को जानता था, वो शरीर से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? किसकी बात कर रहा था? आत्मा की। इसलिए वो कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? अरे, एक बूढ़ा आदमी नया जन्म कैसे लेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नया जन्म कैसे लेगा? अगला, पांचवा, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, तुम्हें सोच रहा है कि वो उल्टा कैसे माँ के जन्म में, माँ के पेट में कैसे जाएगा? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? आत्मा के द्वारा नया जन्म। जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेगा वो नया जन्म नहीं ले सकता है। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेगा वो शुद्ध नहीं होगा। जब तक बपतिस्मा की रीति से नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा जिंदा नहीं होगी, उसका नया मन नहीं होगा, उसका पत्थर का हृदय नहीं जाएगा, उसके अंदर से नया मन नहीं आएगा, वो मांस का हृदय नहीं आएगा।
इसलिए अगर आपको यीशु मसीह को जानना है, निकोदेमस कहता है कि नया जन्म ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर आता है, नया जन्म ही आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। छठा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर शरीर है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आत्मा से जन्मा है, परमेश्वर कौन है? हेलो, परमेश्वर आत्मा है। आप किससे जन्मे? आप कौन है? हेलो, आप कौन है? आत्मा है। आप कौन है? आपके पास क्या है? प्राण। बोलिए, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, और मैं शरीर में रहती हूं। शरीर आपका घर है, आप इसको समझिए। जीवन किसमें है? आत्मा में। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? एक लाश, एक बॉडी, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते थे। दो घंटे निकालिए, उसका नाम भी नहीं लेते हैं आप। कल तक तो पापा था, पति था, बेटा था, देवर था, लेकिन जैसी आत्मा चली गई वो एक लाश बन जाता है। बॉडी कहां पड़ी है? उस रूम में पड़ी है। बॉडी बर्फ लगाई, बर्फ लगाई। बॉडी को निकालो, बॉडी को निकालो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि आपका नाम आपकी आत्मा का नाम है। पौशाली किसका नाम है? आत्मा का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम से आपको जानता है। आपके आत्मा जो कि जिंदा है, इसलिए शरीर का जो शरीर में जीता है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा में जीता है वो आत्मा है। यही यीशु मसीह बताना चाहते हैं, यही यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान दिखा। कुलिसियों 3:1-2 दोबारा निकालियो। कुलिसियन 3:1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। अब आप देखिए, जिलाए गए का मतलब समझे आप? इसलिए जब आप मसीह के साथ जिलाए गए, यानी कि जब आपका नया जन्म हुआ, तब आगे तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। जहाँ मसीह विद्यमान है, और परमेश्वर जिन चीजों में, एक मिनट बेटा, जिन चीजों में मसीह विद्यमान है उसकी खोज में रहो जहां मसीह है। उन स्वर्गीय चीजों में अपना ध्यान लगाओ जहां मसीह है। संसार की चीजों पर अपना ध्यान मत लगाओ, क्योंकि संसार में मरकर आप यीशु मसीह में जिंदा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप संसार के लिए मरे, तभी तो आप यीशु में जिंदा हुए। लेकिन मरने के बाद भी फिर आप संसार में जाएंगे तो कैसे यीशु मसीह आपके साथ रहेगा? कैसे प्रभु आपके साथ रहेगा? इसलिए वो कहता है कि अपना ध्यान स्वर्गीय चीजों पर लगाओ। हम प्रभु को पा लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान धंधे में रहता है। मेरा धंधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, धंधा कुछ नहीं है, प्रभु है तो धंधा है, प्रभु है तो जीवन है। धंधा वेट कर सकता है, प्रभु वेट नहीं कर सकता है। क्यों डरते हैं हम? क्यों अशांत हैं हम? क्योंकि हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते। हमें लगता है मैं चर्च आऊंगा, 2 घंटे हरे 4-5 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं 10 हजार रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन चर्च नहीं छोड़ूंगा, उस दिन, यस, उस दिन आप विश्वास करिए, लोग आपके लिए वेट करेंगे, लोग आपके लिए वेट करेंगे। लेकिन अगर
उस पैसे के लिए आप प्रभु को वेट करवाएंगे, तो आप विश्वास करिए अकस्मात जब शैतान आपको पकड़ेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने लाखों करोड़ों रुपए देखे हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है साहब, 20 साल 25 साल उनको कमाने में लग गए, लेकिन जब पैसा जाता है 5 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट नहीं लगते पैसा चला जाता है। मैंने देखे हैं लोग 5 मिनट में गरीब बनते हुए, जिनको गुमान था पैसे का, गुमान ही नहीं था, जो लोगों को, और सच बताऊं तो लड़कियों को फ्लैट दे देते थे, फ्लैट मेरे सामने दिए 12 लाख का फ्लैट, आज से 13-5 लाख तेरे, ऐसे लोग सोचिए कितना पैसा होगा, लेकिन जब उसकी निगाह हटी गिर गया, बीमारी भी आ गई, लकवा भी आ गया, खत्म। फिर आप घूमते रहिए, जिनको आपने फ्लैट दिया वो आपको अपने फ्लैट में आने भी नहीं देंगे। यस, प्रभु को पहला स्थान दीजिए। जितना आप कमाते हैं मैं विश्वास करता हूं कि उससे बड़ा ज्यादा ही कमाएंगे आप। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर की खोज में रहो, और जहां मसीह वर्तमान है वहां परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। दूसरा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। लेकिन स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी हैं, किस पर ध्यान देना, जो नहीं दिखती हैं। सवाल यह है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान कैसे दें, वो तो दिखता नहीं है। हमारा ध्यान क्या है, जो दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं, हमें ऑर्डर मिलेगा, 1,00,000 रुपए का ऑर्डर दिख रहा है, वो 1,00,000 रुपए का हमें ऑर्डर दिख रहा है, वो चेक दिख रहा है हमें, वो माल दिख रहा है हमें, प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष नहीं दिख रहा जो परमेश्वर देना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मुझ पर मन लगा मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है। उसका वचन जिसने सृष्टि की रचना की वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष जो स्वर्ग से आने वाला है वो सच्चा है, लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा वो झूठा है। हालेलुया। यही परमेश्वर बताना चाहता, यही यीशु बताना चाहता है, और यही चेले नहीं समझ पाए कि जो नहीं दिखता है उस सामर्थ की ओर लग जाओ। प्रेज द लॉर्ड। 5,000 लोग बैठे हुए थे यीशु से मिलने के लिए आए, यीशु मसीह की शिक्षा लेने के लिए आए, चंगाई पाने के लिए आए। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, शिक्षा दी। जंगल का एरिया, जंगल था, बियाबान। फिलिपुस से कहा, फिलिपुस इन्हें कुछ खिला। उसने कहा कहां से खिलाऊं यीशु, जंगल है, दूर दूर तक कहीं कोई बाजार नहीं है, शाम होने से पहले इनको भेज दे, कहीं जाकर दूर गांव में जाकर रोटी लेकर आएंगे, खाएंगे ये लोग, ये तो जंगल है, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, इनको तुम खाने को दो। अनिद्रियास कहता है हम खाने के लिए क्या दें, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तकरीबन 12,000 लोग हैं, 5,000 पुरुष, 5,000 स्त्रियां और 2,000 बच्चे, तकरीबन 10-12,000 लोग हैं, उनको हम कैसे दें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उन 5 रोटियों को देख रहे थे, चेले उन 5 रोटियों को देख रहे थे, 2 मछलियों को देख रहे थे, चेले उन 12,000 लोगों को देख रहे थे, लेकिन यीशु उस स्वर्गीय सामर्थ को देख रहा था। यीशु किसे देख रहा था, उस स्वर्गीय सामर्थ को, जो चेले नहीं देख पा रहे थे। इसलिए वो कहता स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ। यीशु को पता था कि मैं प्रार्थना करूंगा यही 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बहुगुणित हो जाएंगी और सबका पेट भर जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु वही बताना चाहता है। यीशु ने चेलों के सामने वो सामर्थ दिखाया, लेकिन यीशु मसीह, लेकिन क्या दिखा, चेलों ने उन 12 टोकरियों को देखा जो भर के आई थी,
क्या मिला तुम्हें? 12 टोकरियां। प्रेज द लॉर्ड। अरे वो सामर्थ जिसके द्वारा 12 टोकरियां भरी थी उनको देखने में मन क्यों नहीं लगाया आपने? हेलो, इसीलिए उसके बाद जब नाव में सवार होकर जा रहे थे, यीशु मसीह रोटी की बात कर रहा था, वो समझ रहे थे कि अरे हम रोटी लेकर नहीं आए हैं, यीशु मसीह शायद हमारे खाने की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, अरे अगर मैं 5,000 लोगों को रोटी खिला सकता हूं, अगर मैं 4,000 लोगों को रोटी खिला सकता हूं और 7 टोकरे बचे हैं, तो सोचो तुम अभी भी रोटी की चिंता कर रहे हो। हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उसको अपना प्रभु मानते हैं, फिर भी रोटी की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, मेरे घर में अन्न कैसे आएगा, रोटी कैसे आएगी, ये काम छूट गया तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम उस सामर्थ को नहीं देख पा रहे हैं जो नहीं दिखता है। हम उस सामर्थ को देख ही नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह उस सामर्थ को दिखाना चाहता है कि वो सामर्थ क्या है। उस सामर्थ को जानो। अगर तुमने उस सामर्थ को नहीं समझा तो तुम यीशु मसीह का जीवन, मसीह जीवन नहीं बिता सकते। 1 कुरिन्थियों 2:5-17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस नई सृष्टि में पुरानी बातें जो बीत गई वो कौन सी थी? जो दिखती थी। हेलो, ध्यान दीजिए, वो पुरानी बातें कौन थी जो दिखती थी? आपका घमंड चला गया, आपका स्वार्थ चला गया, आपका गुस्सा चला गया। पुरानी बातें कौन सी थी? जो दिखती थी वो चली गई। लेकिन नई बातें जो आ गई आपके अंदर वो कौन सी है? जो नहीं दिखती है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। वो नई बातें कौन सी हैं? प्रभु का सामर्थ, वो समझ, वो वचन की शक्ति, वो स्वर्गीय सामर्थ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आ गया है आपके अंदर। आपके अंदर वो सामर्थ आ गया है, आपके अंदर वो शक्ति आ गई है। आपको नया कर दिया यीशु मसीह ने। आप जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो चीजें जो नई हो चुकी हैं आपके अंदर वो हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो बोलता है, यदि कोई मसीह में है तो, यदि लगाता है वो शब्द के आगे, वचन के आगे यदि लगाता है, यदि कोई मसीह में है। अगर आप मसीह में हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो जो नहीं दिखता है वही सामर्थ है। उसकी आत्मा जो आपके अंदर है वो दिखती है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने क्या देखा? उस क्रूस को देखा। क्रूस पर यीशु मसीह मर चुका था, क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था, वो उस क्रूस को सच मान रहे थे। यीशु मसीह जो जिंदा था उसको सच नहीं मान रहे थे, उनको वो कहानी लग रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर से संसार नहीं गया था। वचन क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। अगर आप मसीह में हैं, उसकी क्या पहचान है? कभी आपने सोचा है उसकी पहचान क्या है? आपको बताऊं क्या मसीह में है कि नहीं है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि आप मसीह में है कि नहीं है? हालेलुया। 6 बातें हैं, ध्यान दीजिए, 6 बातें। अपने आप को, अपने आप का विश्लेषण करिए। नंबर 1, अगर आप मसीह में हैं तो प्रभु भोज लेते हुए आपके हाथ कांपेंगे। प्रभु भोज लेते हुए आपको लगेगा कि मैं प्रभु का लहू ले रहा हूं, उस रोटी को ले रहा हूं, क्या मैं इस काबिल हूं? कहीं कोई पाप तो अंदर नहीं है? आप घबराएंगे लेते हुए उस प्रभु भोज को। अगर आप नहीं घबराते हैं,
तो कहीं ना कहीं संसार अभी भी आपके अंदर है। नंबर दो, क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं? वो बात करता है। अगर पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते तो संसार आपके अंदर है। पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर तीन, अगर आपके किसी पड़ोस में, आपके किसी रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, क्या आपको दुख होता है? क्या आपको लगता है कि एक आत्मा यीशु मसीह का सुसमाचार सुने हुए चली गई, बिना सुने चली गई? क्या अंदर आपके बोझ होता है? अगर आपके अंदर बोझ होता है तो आपके अंदर संसार नहीं है, प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर हमेशा रहता है, कोई भाई आपके दरवाजे पर आता है, कोई बहन जिसको रोटी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, अगर आपका मन करता है कि नहीं नहीं मैं इसको रोटी दूं, आपका उसका दुख देखकर, उसकी भूख देखकर अगर आपका मन दया से भरता है तो परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर पांच, क्या आपको हर समय लगता है और आपको उत्साह होता है कि यीशु मसीह आएगा? क्या आप यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप रोज यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो संसार आप में नहीं है। यीशु आएगा और हमको लेकर जाएगा। नंबर छह, गिनती नंबर 30 का दो निकालिए, गिनती 30 का दो, नंबर गिनती 30:2, ध्यान से समझिए। ये छठा मैं आपको इशारा बता रहा हूं कि आपके अंदर संसार है या प्रभु है, ये जानने के लिए छठा पॉइंट, नंबर 30, यस, कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, ध्यान से सुनिए, जो चुना हुआ है, जिसने परमेश्वर को अपना प्रभु माना है, हालेलुया, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या वो अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वो अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो वो उसके अनुसार करे। अगर आप अपनी वाचा के अनुसार जिंदगी जीते हैं तो संसार आपके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप वाचा तोड़ते हैं, अगर आप वाचा के अनुसार नहीं जीते तो संसार आपके अंदर है। अगर वाचा पे चलने का बोझ आपके अंदर नहीं है कि मैंने वाचा बांधी है प्रभु से, मैंने प्रभु बोझ लिया है और वाचा बांधी है कि उसके आने तक मैं उसका सुसमाचार सुनाऊंगी, अगर ये बोझ आपके अंदर नहीं है तो संसार आपके अंदर है। अगर आप उस वचन को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप उस वाचा की अहमियत को नहीं रखते, अगर आपके अंदर वो वाचा नहीं है, अगर आपके अंदर वाचा नहीं है, आपका काम है, तो संसार आपके अंदर है, प्रभु नहीं है। इसलिए चेलों के अंदर क्या था? संसार। वो यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए। यीशु मसीह ने 7 बार कहा कि मैं मर के जिंदा होऊंगा, लेकिन उनको क्रूस की सच्चाई दिख रही थी कि क्रूस पर यीशु मसीह मरा हुआ है। वो यीशु मर गया जो हमसे बोलता था अनंत काल का जीवन हमारा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए उस सामर्थ्य को, उस योजना को समझ नहीं पाए, उसके मन को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि संसार उनके अंदर था। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि संसार हमारे अंदर है। हम संसार को लिए चल रहे हैं, रिश्तों को लिए चल रहे हैं, पैसों को लिए चल रहे हैं। हालेलुया, अपने आप को पहचानिए। मैं पहचानिए और मैं आपसे कह रहा हूं उसकी खोज में रहिए। अगर आपको अभी भी लगता है संसार मेरे अंदर है, निकालिए संसार को अपने अंदर से, क्योंकि ये
जोखिम है, आप खतरे में हैं, इशू कभी भी आ सकता है। आपका परिश्रम व्यर्थ ना जाए मेरे भाई मेरी बहन। ये पैसे की चाह, ये संसार का मोह, ये रिश्तेदारों को, रिश्ते को, रिश्तों का मोह। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है जो नहीं दिखता उस पर विश्वास करो और उसको खोजने की कोशिश करो। चेलों को जो यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी वो क्या थी, याद है आपको? याद होगी, हे पिता परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। ध्यान दीजिए, इसमें जितनी भी प्रार्थना है उसका राज्य आपको दिख रहा है, उसका राज्य दिख रहा है आपको? क्या प्रार्थना सिखाई है? वो राज्य जमीन पर आए जो स्वर्ग में है। क्या आपने स्वर्ग का राज्य देखा है? यीशु प्रार्थना के जरिए आपको उन अनदेखी शक्तियों के बारे में बताना चाहता है। यीशु इस प्रार्थना के द्वारा आपको स्वर्गीय सामर्थ्य से मिलवाना चाहता है कि आप प्रार्थना करिए ताकि आप प्रार्थना के द्वारा उस स्वर्गीय सामर्थ्य को महसूस कर सकें। इसलिए वो कहता है प्रार्थना कर, हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। एक ही है चीज जो हमें दिखती है, हमें हमारे रोज की रोटी दे, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ कर जैसे हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शैतान से बचा, शैतान को देखा आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने हमेशा चेलों को स्वर्गीय सामर्थ्य से, उस सामर्थ्य से मिलवाने की कोशिश की है जो नहीं दिखता है और वही सच्चा है। लेकिन हम अपनी आंखों से उन चीजों को अवॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो दिखती है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यूहन्ना 6:32-35 के बीच में देखिए, यूहन्ना 6:32-35, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आ तुम किस रोटी के लिए आप तड़प रहे हो? किस रोटी के लिए तुम नौकरी कर रहे हो? किस रोटी के लिए तुम भड़क रहे हो? किस रोटी के लिए तुम भटक रहे हो सुबह से शाम तक? वो रोटी जो तुम्हें कोई जीवन नहीं देगी। जीवन कौन देगा? यीशु, क्योंकि यीशु ही रोटी है। आगे, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो उन पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। वो रोटी मैं हूँ, वो जल मैं हूँ। तुम जिस रोटी के लिए तड़प रहे हो, तुम जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम अभी खाते हो और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन वो रोटी जो मैं हूं वो हमेशा तुम्हें तृप्त करेगी। yes. हमेशा तुम्हें सेटिस्फाई करेगी, तुम्हारी भूख मिटाएगी। तुम मेरे करीब आओगे, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा जो तुम्हारी प्यास बुझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का 63 यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है, आत्मिक है। इसलिए तुम्हारी आत्मा को जिंदा किया है ताकि तुम आत्मिक बातों को समझ सको। उन आत्मिक चीजों में ही, उन आत्मिक बातों में ही जीवन है।
निर्गमन 14:13, एक्सोडस 14:13, एक्सोडस 14:13, जल्दी पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह इजराइली मिस्र से निकालकर परमेश्वर इजराइलियों को लेकर आया। रपुदीप के पास उसने खड़ा कर दिया, उसे सामने समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी फिरौन के साथ। वो डरे हुए थे कि अब क्या होगा, हम कहां जाएंगे, पीछे उसकी सेना है और सामने लाल समुद्र है, हम कहां भागेंगे, हमारी मौत निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने क्या कहा सुनिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने क्या कहा, डरो मत, तुम उस उद्धार को देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। ये लाल समुद्र दो भागों में बढ़ जाएगा और इस लाल समुद्र से तुम बच के निकल जाओगे, तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा और ये लाल समुद्र तुम्हें लेकर जाएगा और तुम्हें जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ, इसराइलियों ने उस लाल समुद्र को देखा, वो लाल समुद्र को देख रहे थे, वो निकल रहे थे, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं सुना उस उद्धार को, उन्होंने नहीं समझा उस उद्धार को, वो उस उद्धार को नहीं देख रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे कि लाल समुद्र में से गुजरना हमारा उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार, एक नया जीवन, उद्धार पवित्रता की पहचान, उद्धार आजादी, उद्धार परमेश्वर से मिलता है। वो कह रहा है मूसा कि तुम डरो मत, खड़े खड़े सिर्फ अपना उद्धार देखो। बोल, क्यों नहीं उद्धार देख पाए इसराइली, क्यों नहीं उद्धार देख पाए, क्योंकि उनके उनके सामने मौत का डर था। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है लेकिन आप मौत से डरे हुए हैं। हेलो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है लेकिन आप मौत से डरे हुए हैं। इसीलिए यीशु मरकर जिंदा होकर पुनरुत्थान का शरीर लिए हुए प्रमाण देता रहा कि मैं जीवित हूं और मैं मरकर जिंदा हुआ हूं। यीशु बता रहा था चेलों को कि मरकर जिंदा हुआ हूं, इसलिए डरो मत, तुम्हारे लिए मौत की कोई अहमियत नहीं है, मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैंने मौत को हरा दिया है। हेलो, मैं मौत को हरा चुका हूं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारे लिए जीवन रखा हुआ है और वो जीवन मैं हूं। वो 40 दिन तक बताता रहा वो जीवन मैं हूं, वो जीवन मैं हूं। ये चिन्ह और चमत्कार तो ये परमेश्वर आपको बताता है कि वो कौन है, आप उसके पीछे के सामर्थ को समझिए। आपकी आंखें खुलना, आपके कान ठीक होना, आपकी टांगे ठीक हो जाना, आप बोलने लगे, ये तो परमेश्वर का, परमेश्वर बताता है कि मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम उस चंगाई में ही खो जाते हैं, हम महसूस ही नहीं करते हैं। ये हुआ कैसे, वो सामर्थ जिसने मेरे बच्चे की टांगे ठीक कर दी, वो सामर्थ जिसने मेरी आंखें खोल दी, वो क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप उस सामर्थ को देखने की कोशिश करेंगे उस दिन आप परमेश्वर को पालेंगे, उस दिन आप परमेश्वर को समझेंगे, उस दिन आप परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे, उस दिन आप परमेश्वर के मन को जानेंगे। हालेलुया। इसराइलियों ने उस लाल समुद्र को देखा, दो भागों में लाल समुद्र बट गया और वो जा रहे हैं उस सूखी भूमि पर। वो लाल समुद्र को देख रहे हैं, उस उद्धार को नहीं देख रहे हैं।
वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि मैं ने उद्धार पा लिया है, मैंने जीवन पा लिया है। मेरी बहन, मेरी बच्ची, तूने कलीसिया में आकर यीशु को पा लिया है। इसलिए अपने अपने सर्विस को महत्व मत दे, यीशु को महत्व दे। अपने धंधे को महत्व मत दे, अपने यीशु को महत्व दे। यीशु की इंपॉर्टेंस को समझ कर, यीशु कौन है, उसका समझ क्या है। हेलो, इट्स अ लॉट। परमेश्वर ने लाल समुद्र से उनको निकाला। हालेलुया। एक्सोडस 17:6-7 निकालिए। लाल समुद्र से पार होने के बाद भी इजरायली समझ नहीं पाए परमेश्वर को, क्यों? क्योंकि उसके सामर्थ को नहीं देख पा रहे थे, उसके उसके शक्तियों को नहीं समझ पा रहे थे, उनके पास पानी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको पानी की प्यास लगी और वो कुड़कुड़ाने लगे। मूसा के पास आए कि हमें तू कहां लेकर आ गया है, पानी पिला। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने क्या कहा, सुनिए 6:7। देख मैं तेरे आगे चलकर, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पर्वत पर, होरे पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों के देखते देखते वैसा ही किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, मैं तेरे आगे जाकर उस होरे पर्वत पर खड़ा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस चट्टान में से पानी निकलेगा। तकरीबन 12-13 लाख लोग उस चट्टान में से पानी पी रहे थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो चट्टान को नहीं जान पाए, उस चट्टान को नहीं समझ पाए। वो चट्टान कौन थी? 1 कुरिन्थियन 10:4। वो नहीं समझ पाए कि चट्टान कौन थी, वो नहीं समझ पाए कि चट्टान कौन है। उनको पत्थर की अहमियत दिखी कि पत्थर हमें पानी दे रहा है। अरे पत्थर के पीछे सामर्थ किसका है? हालेलुया। 1 कुरिन्थियन 10:4। और वो और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे और जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान था यीशु मसीह। कौन थी वो चट्टान? यीशु मसीह। क्या कहा एक्सोडस 17:6 का, कि चल मैं उस चट्टान पर खड़ा होता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। वो चट्टान कौन था? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो इज़राइलीस उस चट्टान में से पानी पीते हुए उस चट्टान के पीछे जो सामर्थ है उसको देखते, तो उनकी प्यास सदा के लिए बुझ जाती। हम उस सामर्थ को नहीं समझना चाहते, हम सिर्फ शरीर की प्यास बुझाना चाहते हैं। अभी बस मुझे चंगाई मिल रही है, अभी मुझे नौकरी मिल रही है, अभी मुझे पैसा मिल रहा है, अभी मुझे शांति मिल रही है। नहीं, ये कौन है देने वाला? मुझे वो चाहिए जिसने मुझे दिया है। वो चट्टान से पानी पिलाने वाला, उनको चट्टान चाहिए थी, चट्टान चट्टान से पानी पिलाने वाला नहीं चाहिए था। इसलिए चेले नहीं समझ पाए यीशु मसीह को, ऊपरी कोठरी में डरे हुए थे, विश्वास नहीं था मरियम के कहने पर कि वो मरकर जिंदा हो गया है। वो यीशु मसीह को देख रहे थे फिर भी जिंदा, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि वो उस सामर्थ को समझ ही नहीं पा रहे थे। यीशु बताना चाहते हैं जो नहीं, जो बाइबल में नहीं लिखा है वो उससे ज्यादा है जो नहीं लिखा हुआ है। जो बाइबल बाइबल में लिखा हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा है जो नहीं लिखा हुआ है। जब आप बाइबल पढ़ें तो आप जानें, यही तो पवित्र आत्मा है जो आपको बताता है, जो नहीं लिखा हुआ है वही है ज्ञान, वही है ज्ञान। उसको समझिए, उसको जानने की कोशिश करिए। और वो कौन बताएगा? वो आत्मा, उसकी आत्मा जो नहीं दिखती है,
लेकिन हमारे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, उस सामर्थ को जानिए, उस शक्ति को समझिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए। कोशिश करिए, हर रोज प्रार्थना करिए कि यीशु मुझे वो सामर्थ चाहिए, मुझे वो शक्ति। मैं तेरे अंदरूनी यीशु को चाहता हूँ, तेरे अंदरूनी यीशु। मुझे अंदरूनी यीशु चाहिए, मेरा अंदर यीशु चाहिए, मुझे वो ज्ञान चाहिए, मुझे वो सत्य चाहिए, मुझे वो सामर्थ चाहिए। मैं उसको महसूस करना चाहता हूँ। समर्पित करिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया।